तो आज हम बनाएंगे अरवी की ग्रेवी वाली सब्जी। इसे बना के और खा के कहोगे जरूर कि वाह मजा ही आ गया। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हमने लिया यहाँ पे लगभग 400 ग्राम अरबी हमने लिया था। ये देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से छीलकर इस तरह से छीला था हमने। देखिए ये छीलना बहुत ही आसान है। इसमें इस तरह से चाकू से बस इसे बड़ी आराम से आप इसे ऐसे छील सकते हैं। छीलना तो आपको आता ही होगा। तो बस इसी तरह से हमने सारे अरबी को जो है छीलकर धो लिया है। और धो के बस इसे क्या करना है, स्लाइस में इस तरह से स्लाइसेस में हमने इसे काट लिया है सारे अरबी को। इस तरह से बड़ी आसानी से ये कट जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखता है कि इसमें थोड़ा सा चिपचिपा आता है तो हाथ जो है उसमें थोड़ा सा फिसलन आती है हाथ। तो बस ध्यान से इसे इस तरह से स्लाइसेस में हमें काट के सारे को रख लेना। तो और हमने लिए यहाँ पे हमने मसूर के दाल के साथ इसे बनाया है। तो यहाँ पे लिए हमने एक लगभग एक कप मसूर का दाल, जिसे हमने 15 मिनट तक पानी में भिगो के रख दिया था और फिर पानी से निकाल के इसे इस बॉल में रख दिया है। और 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए जिसे हमने इसे काट लिया है बारीक। और हमने लिया 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हमने, जैसे 2 लाल मिर्च सूखी वाली और कुछ टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता ले लेंगे और 1 चम्मच हम जीरा ले लेंगे। और हमने मसाला पाउडर में जैसे हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच लिया है, धनिया का पाउडर 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 बड़ा चम्मच, यहाँ पे हमने काश्मीरी लाल मिर्च यूज किया है, और ले लेंगे हमने यहाँ जीरा और काली मिर्च का पाउडर मिक्स मेरे पास पड़ा था वो डाल दिया है लगभग 1 छोटा चम्मच। तो इस मसाले को भी हम साइड में रखेंगे। तो कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे, उसमें डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो बस हमें इसमें क्या करना है, अरबी को पहले फ्राई करना है। आप इसे बिना फ्राई किए हुए भी बना सकते हो, मगर हमने यहाँ पे फ्राई करना है अरबी को। अरबी को फ्राई करने का कारण इसलिए कि अरबी को हम फ्राई कर देते हैं तो इस जो सब्जी हमारी बनती है उसमें जो चिपचिपापन आता है वो चिपचिपापन एकदम से नहीं आएगा। तो अरबी को इस तरह से हमने एकदम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। और बस जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए बस हमें इसमें फटाफट से निकाल के रख लेना है दूसरे बर्तन में। तो ये ज्यादा इसमें तेल भी नहीं लगता है फ्राई करने में। तो बस इसे फ्राई करके हमने एक दूसरे बर्तन में निकाल के रख लिया है। देखिए इस तरह से रख लेंगे सारे अरबी को। और आप देख सकते हो तेल भी हमारा कितना कम यूज हुआ है इसमें फ्राई करने में। और इसी तेल का इस्तेमाल हम इसको सब्जी बनाने में भी करेंगे। तो बस जो तेल बचा है हमने यहाँ पे बस आधे चम्मच और तेल ऐड किया है इसमें। ये देखिए आपको कितना अच्छा दिख रहा है ना अभी गोल्डन ब्राउन एकदम से। तो बस हमने यहाँ पे आधा चम्मच तेल और ऐड किया इसमें और तेल को हो जाने दिया है गरम। जैसे ही तेल गरम हो जाता है इसमें डाल देंगे जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च 2 और दालचीनी का जो टुकड़ा हमने लिया था वो डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे हम। बस थोड़ा सा भूनने के बाद हमें इसमें डाल देना है प्याज, जो हमने कटे हुए प्याज लिए थे वो डाल देंगे इसमें। और प्याज डाल के हमें प्याज को हल्का सा भूनना है। इसको थोड़ी देर इसे भूनेंगे हम। और थोड़ी देर भूनने के बाद हल्का सा मुलायम हो जाए, हल्का सा प्याज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस, तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ में। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है इसमें मसाले जो हमने लिए थे, मसाले वो ऐड कर देंगे इसमें और मसालों को थोड़ा सा इसमें भूनेंगे। देखिए तो मसाला भी थोड़ा ड्राई है क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे मसालों को अच्छी तरह से भूनने के लिए, क्योंकि मसाला जो है कढ़ाई में सटे ना, नीचे जले ना, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसालों को हल्का सा पहले भून लेंगे। और थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा फिर से ये ड्राई होता है तो बस हमें उसी टाइम में मिलाना है। हमने लिया यहाँ पे 1 कटे हुए टमाटर जिसे हमें काट लिया था बारीक इस तरह से, देखिए वो ले लेंगे, वो डाल देंगे इसमें। और फिर से हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक भूनना है मसालों के साथ। तो इसके लिए हम टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे और थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। पहले हमने थोड़ा सा भुना है उसके बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार।
और नमक ऐड करके भी इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब मिक्स करके हमें क्या करना है, मसालों को थोड़ा सा और सॉफ्ट होने का, प्याज जो टमाटर है थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए हम इसे ढक के थोड़ी थोड़ी देर पर एक दो बार ढकेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पर चला लेंगे इसे। तो थोड़ी थोड़ी देर पर हमने ढक के इसे भून लिया। देखिए टमाटर और प्याज जो एकदम से सॉफ्ट हो चुका है, एकदम आपको दिख रहा होगा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है पूरा से ये। तो बस अब हमें क्या करना है, ये दाल जो हमने लिया था मसूर की दाल उसे डाल देना है इसमें। और मसूर की दाल डाल के थोड़ी देर इनको हम लगभग 40 से 50 सेकंड तक इसे भूनेंगे। आंच को धीमा ही रखेंगे अभी, और मसालों में इसे भूनना है, थोड़ी देर भूनना है, ज्यादा नहीं, वही 40 से 50 सेकंड। थोड़ी देर भूनने के बाद जैसे ही थोड़ी देर इसे हम भून लेंगे, बस हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है जो हमने फ्राई करके रखे थे अरबी, वो डाल देंगे। और इनको भी थोड़ा सा साथ में समझो कि मिक्स करेंगे, जैसे अच्छा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे, मिक्स करते हुए भूनेंगे इसे थोड़ा देर इसे। और जैसे ही लगे कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है मसालों का, हाँ ये देखिए दिख रहा होगा आपको, तो बस अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है पानी। तो पानी हमें अच्छी क्वांटिटी में यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें दाल को भी पकने देना है अच्छी तरह से, दाल भी हमारा पकना चाहिए। तो पानी हम डाल देंगे इसमें, ये देखिए इस तरह से जो पूरा ये सब्जी जो है पूरा डूब गया है पानी से, इतना पानी हमने यूज किया इसमें। और बस इसे क्या करना है, हमें ढक के लगभग 8 से 10 मिनट तक पकने देना है, क्योंकि दाल भी जो है हमारा पकना चाहिए। तो 8 से 10 मिनट के बाद हम देखेंगे, चेक करेंगे इसे, थोड़ा सा चला लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए दाल भी दिख रहा है अच्छी तरह से, वो पक चुका है दाल। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो हमारी अरबी है वो पकी है यानी सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए देखिए इस तरह से ये भी बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है, ये देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और दाल भी जो है एकदम अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लिया एक छोटा चम्मच गरम मसाला, वो डाल देंगे अभी और फिर से इसे मिक्स करेंगे। फिर से इसे मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इसे फिर से ढक देना है मात्र एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए इसे ढक देंगे। और ढक के बस एक ही मिनट ऐसे पकाना है इसमें। तो बस एक मिनट के बाद इसे फिर से देखते हैं हम, ये देखिए ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और एकदम से मसूर दाल वाली ये अरबी आपको खाने में बहुत ही मजा आया, देखिए आएगा। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे आप चावल के साथ परोसो, ओह मजा ही आ जाएगा खाने में। एक बार जरूर ट्राई करना और हमें बताना कि आपको कैसा लगा। तो मिलते किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।